गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आई एम दर्शन पांडे, मैं टीचर ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खेड़ा। ओके बच्चे, आज हम क्या पढ़े ना, मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम जो कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम कल, बिगर यूनिट्स। क्या पढ़ा था? बिगर यूनिट्स मतलब ग्राम से जो बड़ा है। ग्राम से बड़ा कौन थे? डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो ये तीनों के बारे में तो हम हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना, तीनों के बारे में पढ़े थे ना कर बस। तो तीनों को क्या बोलते थे ना, बिगर यूनिट्स। क्या था ये कर हम जो पढ़े थे, उनका नाम क्या था ना, बिगर यूनिट्स मतलब ग्राम से बड़ा है, मतलब ग्राम को लेकर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम होता है। ओके तो आज क्या पढ़ेंगे, स्मॉलर यूनिट्स मतलब ग्राम से क्या छोटा है, मतलब ग्राम किसी को लेकर होता है, तो जो ग्राम से छोटा है। ओके ये है स्मॉलर यूनिट। क्या है इसका नाम, क्या है? स्मॉलर यूनिट। ओके बच्चे, मैंने कल आपको बताया था जी किलो मीन्स क्या है ना, 1010 बताया था ना, तो मुझे एक आंसर बताओ, डेका मीन्स क्या बोला था मैंने कहा, डेका मीन्स क्या है, बस 1 1 10 क्या बताओ, 10 times डेका मीन्स 10 times मतलब 10 times मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जैसे 1 decagram इक्वल टू 10 gram। तो हेक्टो मीन्स क्या बताया था, गुड 100 times। ओके तो आज हम पढ़ेंगे डेसीग्राम। तो डेसी मीन्स क्या है, देखो डेसी मीन्स क्या है ना, डेसी मीन्स जैसे कल पढ़ा था डेका मीन्स 10 times plus decimals 10th part। देखो बच्चे आप बताएंगे, कल पढ़े थे 10 times, आज पढ़ेंगे 10th part मतलब 10 times मतलब 10 गुना 10 गुना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 10th part means 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे सर? 10 से। ओके तो डेसिमल्स 10th part। देखो 1 decigram इक्वल टू 1/10। 1/10 मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताया था ना 8/4। तो क्या है ना, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 division 4 इक्वल टू 2। ओके तो ऊपर जो है क्या होते हैं, उनका नाम क्या है ना, न्यूमरेटर, उनका नाम क्या है, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं ना, आंस हर। ओके तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो 8 divided 4 to 2। तो इसका मतलब क्या है, डिविजन भी करना पड़ेगा, लेकिन 1/10 न्यूमरेटर छोटा है, 10 बड़ा है। ओके डिफरेंस से देखो, वहां से बड़ा है, वहां से छोटा है। तो छोटा से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, नहीं होगा ना, छोटा को बड़ा से डिवाइड हो जाएगा क्या, हो जाएगा, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। ओके तो देखो डेसिमल 10 part, तो 5 decigram इक्वल टू 10 grams बताओ क्या, 1 decigram क्या है, 1 decigram क्या है, 1 decigram मतलब कितना है, 1 decigram कितना है, उनका वैल्यू कितना है, 1/10 gram क्या है, 1/10 gram 5 decigram इक्वल टू
फाइव मल्टीप्लाई वन बाई टेन ग्राम फाइव वन जा फाइव डिवाइड टेन ग्राम। देखो उससे मल्टीप्लाई होगा, आई मीन न्यूमरेटर का आंश में मल्टीप्लाई होगा और जो डिवन डिनोमिनेटर है मतलब हर है उसमें नीचे देखिए तो एक छोटा ये बड़ा है तो डिवाइड होगा, आसान नहीं है तो इसलिए फाइव बाई टेन ग्राम लिखिए वन बाई टेन ग्राम। ओके तो फाइव डेसीग्राम मतलब कितने ग्राम, फाइव डेसीग्राम इक्वल टू फाइव बाई टेन ग्राम। ओके इसी में डेसीग्राम हो गया। उसके बाद सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सेंटीग्राम क्या है ना, सेंटीग्राम सेंटीग्राम हंड्रेड पार्ट। ओके हंड्रेड पार्ट तो एक एग्जांपल 9 सेंटीग्राम इक्वल टेस ग्राम क्या होगा, 1 सेंटीग्राम कितने ग्राम बताओ, 1 सेंटीग्राम कितने ग्राम, गुड 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम। तो 9 सेंटीग्राम बताओ किसको आएगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाई 1/100 ग्राम इक्वल टू 9 × 9/100 ग्राम। ओके तो 9 सेंटीग्राम इक्वल टू 9/100 ग्राम हो गया सेंटीग्राम। लास्ट क्या रहेगा ना, मिलीग्राम। ओके डोंट साउंड 1 सॉरी मिली मीन्स क्या है ना, 1000 पार्ट। ओके 1000 पार्ट तो एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देखो बताओ 1 मिलीग्राम कितना ग्राम, देखो 1 मिलीग्राम कितना ना, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम तो 8 मिलीग्राम इक्वल टू 8 × 1/100 ग्राम। ओके तो कितना होगा बताओ, 8 × 1000 तो हो गया क्या 8/1000 ग्राम। तो 8 मिलीग्राम इक्वल टू 8/1000 ग्राम। ओके तो बच्चों ये जो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम 1 डेकाग्राम 1 10 ग्राम 1 डेसीग्राम 1/10 ग्राम 1 सेंटीग्राम 1/100 ग्राम 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम ये सबको आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। ओके किसका वैल्यू कितना है तो ये आपको पता चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए सबको डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके तो ध्यान से इस सबको याद करो। ओके देन जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके बस मैं आपको होमवर्क दे देंगे। ओके